व्हाट्स अप गाइस, आज की डेट है 3 दिसंबर 2020, यानी चल रहा है पैंडेमिक का वक्त अभी भी। और मैं चेक इन कर लिया था दोपहर के 2 बजे, आज काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत पहले ही मेरी फ़्लाइट लैंड कर गई थी और मैं बहुत पहले ही आ गया था अपने होटल में। तो भाई, जैसा कि कैप्शन और थंबनेल में है, क्वारंटीन कर दिया है हमें जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आती। जो टेस्ट हुआ था एयरपोर्ट पर RT-PCR का आज सुबह आने वक्त, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और वो बोल रहे हैं 24 से 48 आवर्स तक लग जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तब तक के लिए भाई मैं यहाँ पर क्वारंटीन हूँ, यहाँ पर मुझे आइसोलेशन में रहना है इस रूम में जो कि मेरा होटल में रूम है। 2 दिन की बुकिंग है यहाँ पर, और अगर कहीं जाएंगे बाहर, जैसे कि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने भी बोला और जो कई वर्कर थे उन्होंने भी बोला कि अगर आप जाएंगे तो ऐसे कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस रहती है नॉर्मल यूनिफॉर्म पर रहती, इवन अपने यूनिफॉर्म में भी नहीं रहती, वो ऐसे ही पूछ लेती आप कौन हो, आप अपनी एमिरेट आईडी दिखाओ। तो हमारी तो एमिरेट आईडी नहीं है, तो मतलब पासपोर्ट दिखाओ। तो पासपोर्ट जब दिखाएंगे तो देखेंगे मेरा तो RT-PCR अभी तक आया नहीं टेस्ट, तो भाई अच्छा खासा फ़ाइन हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क रहता है। वैसे आज सुबह भी मैं बगल में गया था खाने और सुपरमार्केट गया था, तो यही चल रहा है इस समय। मैं यहाँ पर बंद हूँ और मैं दिखाता हूँ वो जो एक स्टिकर मिला है और ये जो कवर है, ये मैंने यात्री डॉक्टर के साइट से लिया है, 600-700 कुछ पड़ा, अच्छा है काफ़ी। तो ये पीछे उन्होंने 2 स्टिकर लगा दिए, ये और ये प्योर हेल्थ का। तो इसमें क्या है कि यहाँ से शायद स्कैन करके हम देख सकते हैं कि भाई मेरा रिपोर्ट कैसा है, क्या आया है, और अगर पॉजिटिव आया तो भाई 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा, पता नहीं कहाँ रहना होगा, वो मुझे नहीं पता। वैसे आई होप आ जाए भाई निगेटिव, आ जाए नहीं तो फिर क्या ही करेंगे। खैर जो भी है, रिस्क तो बना ही रहता है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है तो रोज़ ही जाते हैं, भले वहाँ RT-PCR निगेटिव रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी एक रिस्क और ख़तरा तो बना ही रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मेरा रूम कैसा है। तो इस रूम के लिए पड़ा है मुझे 5,500 रुपये लगभग, 2 दिन के इंक्लूडिंग टैक्स और सब कुछ मिला के। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है रूम में सुविधा। चलो भाई, तो भाई आते ही सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा एक मस्त सा बड़ा सा बेड। तो भाई मैं तो अकेले आया हूँ तो पूरा बेड मेरे लिए ही है और काफ़ी सुंदर है, मतलब एसी है, यहाँ कर्टन्स लगे हुए हैं, यहाँ खुल जाता है बाहर, सिटी व्यू भी दिखता है, अभी अंधेरा है इधर। और होटल तो काफ़ी अच्छा है और इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पर इंडियन सॉकेट लग गया था, बाकी इंटरनेशनल वाला मैं लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर एक सॉकेट इंडियन वाला दिया हुआ है। और यहाँ लैपटॉप पे मैं अपना वर्क कर रहा था, और 2 बॉटल इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया, ये तो अच्छी बात है क्योंकि भाई यहाँ पानी बहुत महंगा है यार, पानी मिलता नहीं। और यहाँ पर अंदर दिया है केटल, इलेक्ट्रिक केटल, और ये सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पर एक दिया है TV फ्लैट सी। सारे अरेबिक चैनल है यहाँ पर, तो अपने मतलब का कुछ है नहीं, लेकिन एक मुझे चैनल यहाँ पर मस्त सा दिखा जो कि अपने इंडियन लोग के लिए थोड़ा मिलता जुलता है। तो इसमें आ रहा है वेडिंग पुलाव, और इसका चैनल का नाम है MBC बॉलीवुड, और मैंने साथ में लाए हैं ये इंडिया से ही मैगी के कप नूडल्स। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर गरम करके मैं आराम से इसको खा सकता हूँ। बाकी यहाँ पर AC कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, सेंट्रलाइज AC है, सोफ़ा दिया हुआ है, और इधर एक ये गैलरी यहाँ पर आपके पास है, ये गोदरेज या किसी का सेफ लॉकर, और एक यहाँ मस्त सा खुद को देख सकते हैं इधर। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर टॉयलेट, ये भाई इसमें बैठ के नहा सकते हो, बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। और ये दिया साथ में इन्होंने, और यहाँ पर ये दोनों अपना जुगाड़ हेयर ड्रायर दिया। तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो फैसिलिटी भाई 3-4 स्टार वाली तो पूरी है। रूम बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया भाई रह के, और मैं सोया भी नहीं था तो थका हुआ था, तो अच्छा रहा, 3-4 घंटे की नींद लिया। बाकी यहाँ पर अब रहना है, देखते हैं, कुछ पता नहीं कब कैसे क्या आएगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती मैं आगे ऐड करता रहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ। बाकी फ़िलहाल तो मैं ऑफिशियली क्वारंटाइन में हूँ। तो जहाँ सुबह खाने आया था वहाँ पर मैंने मंगा लिया है चिकन कढ़ाई और रोटी।
तो फिर बाहर चला गया था मैं और डिनर करके आया, तो और साथ में सुपरमार्केट से फिर मैं एक बड़ी सी पानी बोतल ले लिया, क्योंकि यहाँ पानी की बोतल भाई पर डे दो मिलेगी, वो भी छोटी छोटी, तो मैंने ले लिया। ये पड़ा मुझे 1.5 दिरहम से, यानी कि 30 रुपये, और साथ में खीर ले आया उसी रेस्टोरेंट से जो मुझे पड़ा 5 दिरहम का। तो आई होप कल आ जाए सुबह रिपोर्ट, क्योंकि अब तो रात हो गई, अब तो नहीं आना रिपोर्ट को, देखते हैं। जब तक नहीं आएगी भाई तब तक फ्रीली घूम नहीं सकेंगे, थोड़ा डर तो बना रहेगा। और दुर्गेश भाई कैसा है? तो अभी रात के बज रहे हैं दुबई के हिसाब से 12 बज रहे हैं, और अभी मेरे पास मैसेज आया है, मेरे जो एयरटेल नंबर था इंडिया का उस पे मैसेज आ गया कि निगेटिव रिपोर्ट। तो एक ये मस्त खबर आई, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वो साइट जहां से आप जाके पता कर सकते हो, प्योर हेल्थ नाम की एक साइट है, वो पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां जाके पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको निगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को, और यहाँ पर वैसे निगेटिव आ गया आरटीपीसीआर, और आरटीपीसीआर में सिर्फ नेजल स्वैब लिया था। तो आज सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने लिया और रात के 12 बजे तक आ गए, तो एक बहुत सही खबर, अब कल से मैं घूमना स्टार्ट कर सकता हूँ। फाइनली आज का जो एक दिन का क्वारंटीन था, जो कि सही से फॉलो नहीं भी हुआ मुझे पता है, लेकिन वो ख़त्म हुआ, तो अब कल से घूमना स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को फिर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि एक नए दिन नई शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए मैं इसको रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो नीचे, और तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को। और फिर चलते हैं, अब सो जाते हैं, क्योंकि एक अच्छी खबर कल के लिए बुक कर देते हैं, कल देखते हैं कहाँ घूम सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।